तुझको सुखी संसार मिले। बहुत ठंड होगी। तो ये है गाइस दुल्हन। तो गाइस बारात वगैरह अभी आ गई है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाय बाय। तो रात के खाने पीने का चल रहा है और ललित भाई बांट रहे हैं खाना। ये हमारे कंजू सिस्टर आग सेक रहे हैं सब लोग। कंजू और रोहित भाई सारने का काम कर रहे हूँ। दो थालियां अकेले ये खा रही है एक घंटे से। तो यहाँ पे आग जला नाकाम कोशिश से चल रही है। बाकी एक घंटे से बहन ट्राई कर रही है, इससे तो हुआ नहीं। और दूसरी बहन कर रही है ट्राई। 10-15 मिनट तो इसको भी हो गया। चल गया भाई, चल गया। मैंने हार लगाया था। हाँ मैंने हार लगाया। जला रहे हो, जला रहे हो, अच्छे से जला। यहाँ पे खाना ही खाना पड़ा है। हम ठंडा के बाहर ये सब गिजी मर गए हैं यहाँ। तो गाइस काफी खाना बच गया है। जितने लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं जल्दी आओ। तो हमने यहाँ पे चाहा धर दिया है। डिस्पोजल वाले ग्लास नहीं बचे बाहर देने के लिए। पानी नहीं है, चाय से आज गुजारा करना पड़ेगा हमें। और पानी कहाँ से टूट गया हमें वैसे भी बता नहीं है। चाय से हाथ धोएंगे आज। आग में सुखा ले आज। ये अलग चल रही भाई। सो गाइस यहाँ पे धू हो गया है। तो गाइस बहुत बहुत ठंड हो गई है। रात का समय हो गया है। और तो ये केतली हमें यही पड़ी हुई मिल गई। ऐसा बताना पड़ेगा नहीं तो कहाँ से आई। बताई जा रही है हमारे जब ये बंदर थे हमारे दादाजी लोग। ये हमारे बुजुर्ग मुझे एक बुजुर्ग मिल गए। ये मिट्टी के ढेर के अंदर थे। तो आज 24वें दिन भी हम लोगों को मिट्टी के पानी ही पी के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। कॉकरोच पीस के एक टाइम हमने। अब जैसे एडिसन ने लाइट की खोज की कीड़े मकोड़े खा के, हमने वैसे हम कॉकरोच बना के चाय की खोज की है। हमारे पूर्वज ने हजूरी पका फूल बनाया। हमारे पूर्वज ने ये रश्मि की टोपी बना रखी है पिरो से। पिरोल से बना रखी है। कलाकारी देख रहे हो पूर्वजों की। तो गाइस आज हमारे पहाड़ी बाखली में ये बन रहा है। इसका साग दाव सब मिक्स बन रहा है। पुराने औजार मिल गए और पुराने पूर्वजों के औजार मिल गए।